नितिन गुप्ता जी, जो वेब सीरीज तांडव चल रही है उसको लेके पूरे देश में हंगामा हो रहा है, क्योंकि तो उसमें आपत्तिजनक देवी देवताओं के बारे में कुछ कहा गया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है और आपकी तरफ से राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना उसके लिए क्या करती है? देखिए, राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना ने माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय गृह मंत्री, हमने सबको पत्र लिखा है और तुरंत 24 घंटे के अंदर इस वेब सीरीज को इस हिंदुस्तान में बिल्कुल टोटली ही बंद कर देना चाहिए। चाहे वो अमेजोन कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, हिंदुस्तान में इसका प्रसारण नहीं होना चाहिए। ऐसी हमने मांग केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच में रखी। पिछले दिनों जो वेब सीरीज एकता कपूर की आई थी उसमें आपने अपने तरफ से उसके कंप्लेन भी रजिस्टर किए थे, तो इसके लिए आपने क्या किया है कांडो के लिए? देखिए, तांडव के लिए मैंने आपको बताया कंप्लेंट रजिस्टर्ड की है और हर किसी आदमी को मौका देना चाहिए। हम उनको 2 दिन का मौका दे रहे हैं। अगर 2 दिन के अंदर ये वेब सीरीज पूरे हिंदुस्तान से नहीं हटाई गई है, अमेजोन से लेकर जितने भी यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे पड़े, अगर नहीं हटे, और सबसे बड़ी बात है, अगर ये वेब सीरीज को उनको चलाना है, जो इन्होंने हिंदू के अगेंस्ट में, जो हिंदू देवी देवताओं के अगेंस्ट में, जो शंकर जी का रोल और जो राम भगवान जी के बारे में जो बताया है, वो इनको सारे ड्रेस काटना चाहिए। अगर नहीं काटते हैं तो 2 दिन के बाद राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना उनके घर पर जाकर, बंगले पर जाकर सैफ अली खान के, हम लोग तांडव करेंगे, त्रिशूल लेके तांडव करेंगे। और जब तक तांडव करते रहेंगे, जब तक ये सैफ अली खान माफी नहीं मांगता हिंदुओं से। पहले हॉटस्टार और अब अमेजोन, क्या आपको लगता है ये सब चैनल है जो वेब सीरीज की हैं बंद होनी चाहिए? देखिए, मैं शुरू से आवाज उठा रहा, चाहे उल्लू चैनल हो या जो भी चैनल हो, वो सांस्कृतिक चीजों को दिखाएं, लेकिन हर किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने हिंदू देवी देवताओं को अपमान करना ऐसा दिखाया है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो और पैसा कमाओ। मैं जानना चाहता हूँ ये तांडव में ऐसा क्या चीज है जो भगवान का रोल दिखाया, उनके बारे में उल्टा सीधा बोला, रामचंद्र जी के बारे में, एक एक भगवान को दूसरे भगवान के बारे में गलत बोलवाना, ये क्या, कौन सी सांस्कृतिक है? दूसरी बात कि ये पिक्चर जो है, ये जो हमारा सैफ अली खान है, ये हमेशा देशद्रोही है, ये देशद्रोही काम करता है। अपने बच्चे का भी नाम आपने देखा है, पाकिस्तान से लगे उस तैमूर रखा, तो मालूम नहीं ऐसे लोगों को अपने हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको यहाँ से भगाना चाहिए। अगर ये पाकिस्तानी है तो उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना के माध्यम से कि हम लोग पूरे देश में खाली 24 घंटे तक हम लोग इंतजार करेंगे, उसके बाद में पूरे देश में हमारे संगठन के लोग आंदोलन करेंगे। और मैं खुद स्वयं सैफ अली खान के बंगले पर जाकर खुद तांडव करूंगा त्रिशूल लेकर। मैं यहाँ के शासन प्रशासन को बोलना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लें, और जो भी भगवान से रिलेटिव सीन है, जो भी भगवान के द्वारा गालियां दिखाई गई है, इन सारी चीजों को तुरंत कट किया जाना चाहिए। इस सीरीज में JNU और का पृष्ठभूमि दिखाया गया और इसमें आजादी के भी नारे लगे हैं, इसके देखिए, बारे में क्या कहना मैं है? आपको बता रहा हूँ, ये टोटली जो वेब सीरीज बन रही है ना, ये टोटली अपने हिंदुस्तान की अगेंस्ट है। इसमें दलित के लिए भी बहुत कुछ गलत दिखाया है, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने जैसी बातें दिखाई गई है। लोगों, ये जो जितने भी सैफ अली खान है और भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, ये देश की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, और हमारे देश के लोग ही, दर्शक लोग इसको देखते हैं और उनका उनको पैसे कमाने का मौका देते हैं। मैं देश की जनता से आह्वान करता हूँ कि ऐसी पिक्चरों का आप विरोध करें, ऐसी वेब सीरीजों को बिल्कुल नहीं देखें। और मैं फिर एक बार पुनः सैफ अली खान को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये सारी जो उन्होंने इसके अंदर दृश्य डाले हैं, उनको काटे, नहीं तो राष्ट्रीय हिंदू सुरक्षा सेना 2 दिन के अंदर तुम्हारे घर पर आकर तांडव करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।